हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, अगर इसको टाइम से कंट्रोल ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि अगर इसको टाइम से कंट्रोल ना किया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट पर ही प्रभाव नहीं डालता है, इसके साथ ही जो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पर भी इसका काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों का अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो क्यों होता है, और अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा ही हाई रहता है तो इसके क्या कारण है, तो आज हम लोगों का टॉपिक यही रहने वाला है। और साथ ही मैं आप लोगों को इसके लिए होम रेमेडी भी बताऊंगी, आयुर्वेदिक दवा भी बताऊंगी, आप लोगों को अपने लाइफस्टाइल में किन किन चीज़ों को चेंज करना है वो भी बताऊंगी, और इसके साथ ही कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनसे आप लोगों को जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको इंस्टेंट कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग आए हैं मेरे चैनल पर पहली बार। हम लोग इनके कारणों के बारे में जानेंगे जो कि एसेंशियल रीजंस में आते हैं। पहला है आप लोगों की फैमिली हिस्ट्री, यानी कि देखिए अगर आप लोगों के पेरेंट्स में या फिर बहुत ही करीबी रिलेटिव्स में ये प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो चांसेस हैं कि आप लोगों में भी ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएं। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तब भी आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तीसरी चीज, अगर आप लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी आप लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी चीज, आप लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसकी वजह से भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग खाने में नमक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तब भी आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप लोग रात के समय में सोने की जगह मोबाइल पर फोकस ज़्यादा करते हैं तब भी ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ओवरवेट हैं तब भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग 65 की एज क्रॉस कर चुके हैं तब भी आप लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। लोग कम मात्रा में सब्जियां, दालें और फ्रूट्स का सेवन करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। जो लोग मीट, मांस या बाहर की चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये थे सारे रीजंस जिसकी वजह से आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब हमेशा ही आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो उसके कुछ कारण हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा ही हाई रहता है तो लोगों के बॉडी पार्ट हैं उनके वाइटल ऑर्गन्स पर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आते हैं। पहला आता है कि आप लोगों की इसकी वजह से नसें जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, और नसें कमज़ोर होने के कारण उनमें दर्द होने लगता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि उसमें ब्लॉकेज भी आ जाती है, और ब्लॉकेज आने के कारण आप लोगों को हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दूसरी चीज, अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा ही हाई रहता है तो इसका इफेक्ट आप लोगों के माइंड पर भी पड़ता है, ब्रेन पर भी पड़ता है। इससे आप लोगों के ब्रेन की पावर काफ़ी कम होने लगती है और आप लोगों को ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। धीरे धीरे करके आप लोगों की याददाश्त कम होने लगती है और उम्र के बढ़ते बढ़ते ये डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ता है आप लोगों की किडनी पर। हाई ब्लड प्रेशर का नेगेटिव इफेक्ट हमारी किडनी पर पड़ता है, और किडनी का जो काम होता है वो हमारे शरीर से सारी गंदगी को फिल्टर करके बाहर निकाल देना है, फ्लश आउट कर देना है। और जब कंटिन्यू आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उससे किडनी फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, इससे आप लोगों की आंखों पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, यानी कि अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर कंटिन्यू हाई रहता है तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके कम होने लगती है, और कभी आप लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम में आप लोगों की जो
देखने की शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। ये आप लोगों को डराने के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ये रियलिटी है कि अगर ब्लड प्रेशर हमेशा ही हाई रहता है तब आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में मोस्टली क्या करते हैं, एलोपैथिक दवाइयों की तरफ भागते हैं, जबकि एलोपैथिक दवाइयां जैसे जैसे आप लोग शुरू करते हैं वैसे वैसे आप लोगों के शरीर को इसकी हैबिट होती जाती है और इससे अच्छे असर होने की जगह इसके साइड इफेक्ट्स शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। आप लोगों की किडनी और लीवर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन दवाइयों का ही पड़ता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। अब लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, देखिए आप लोगों को एक्सरसाइज तो करनी ही है, साथ ही आप लोगों को अपनी एक्टिविटी यानी कि वॉक बढ़ानी है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को आप एक्टिव रख सकें, चलने फिरने उठने बैठने का काम आप लोग ज़्यादा कर सकें। दूसरी चीज़, आप लोगों को हमेशा जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है वो नमक की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नमक को कम कर दिया जाए, लेकिन वो मीठे की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप लोगों को नमक, सफ़ेद नमक को छोड़ करके सेंधा नमक यूज़ करना है और चीनी को छोड़ करके आपको गुड़, शक्कर या फिर खांड या मिश्री का यूज करना है। इस तरीके से आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप घरेलू उपचार के लिए। देखिए आपको क्या करना है, एक अदरक का टुकड़ा लेना है और उसको सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा लेना है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि अदरक के अंदर थर्मोल नाम की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि खून को पतला करने का काम करती हैं। वैसे आप लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए अदरक का यूज़ भी कर सकते हैं, आप लोग लहसुन का यूज़ भी कर सकते हैं और आप लोग एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक आयुर्वेदिक दवाई, जिसको अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। अर्जुना रिस्ट जो कि बैद्यनाथ की आप ले सकते हैं, बाकी किसी भी कंपनी की आप इसे यूज कर सकते हैं। कहाँ मिलेगी, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आप लोगों को ये इजीली मिल जाएगी। और आप लोगों को लेनी कैसे है, सुबह दो ढक्कन सिरप लेना है, दो ढक्कन उसमें पानी मिलाना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका सेवन करना है। इसी तरह से आपको डिनर के बाद दो ढक्कन सिरप, दो ढक्कन पानी मिलाकर के और इसे पी लेना है, तो इससे आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगेगी। ऐसा आप लोगों को 3 महीने कंटिन्यू करना है। अब मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप लोगों को बता देती हूँ जिसका इफेक्ट आप लोगों को इंस्टेंट दिखाई देगा। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके, यहाँ मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर चाहे 200 है या 300, आप लोग इसको प्रेस करेंगे तो आप लोगों का ब्लड प्रेशर तुरंत ही नॉर्मल आ जाएगा। तो ये रहा वो एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसको दबाना कैसे है, उंगली या अंगूठे या फिर किसी भी पेन पेंसिल की सहायता से इसको दबाना है। 15 से 20 सेकेंड के लिए इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है और दिन में 2 से 3 बार दबाना है। जिस टाइम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो उस टाइम कंटिन्यू 2 से 3 बार प्रेस कर लें, लोगों की हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी। अब कंटिन्यू आप लोगों को ये प्रॉब्लम है और उसके लिए और आप लोग इसे नॉर्मल रखना चाहते हैं, तब आप लोगों को क्या करना है, जो आप टिप ऑफ द फिंगर है ये आप लोगों को दिन में 2 से 3 बार दबानी है। या तो आप लोग इनको इस तरह से दबा सकते हैं अंगूठे और उंगली की सहायता से, और या फिर आप लोग इन सारी ही उंगलियों को ऐसे दबाइए और इन पर इस तरह से प्रेशर दीजिए, तो आपको क्या होगा कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके सीधे ही ब्रेन से कनेक्ट हैं, तो जब आप इन्हें प्रेस करेंगे तो आप लोगों का जो हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल रहने लगेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमारी फैमिली 50,000 की कंप्लीट होने वाली है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।